ते सुले दी एक वड्डी खबर नाल तुहानू जाणू करवा रहे हैं। एडवोकेट जनरल दे मुद्दे ते सीएम भगवंत मान दा बयान आया है, क्या गया कि विनोद गई ही होंगे पंजाब दे एडवोकेट जनरल। जी हाँ, सीएम भगवंत मान ने एक बार मुड़ तो पुष्टि की है कि विनोद गई ही एजी दी पोस्ट दे लई चुने गए ने। उन्हां कहा कि चंगे वकील ने विनोद गई, सरकार दा पक्ष मजबूत ढंग दे नाल रखणगे, बिना सिफारिश तो वकीलों की वधिया टीम तैयार की जाएगी, यह कहना है, यह दावा किया गया मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों। जी हाँ, तुहानूं दस दईए कुछ किंतु परंतु हो रहे सी, क्यास तरहां कुछ वक्रे ढंग दे नाल चल रही सी, पर भगवंत मान ने एक बार मुड़ तो क्लीयर कर दिता, स्पष्ट कर दिता कि विनोद गई ही पंजाब के एजी वजों चुन ले गए ने। विनोद कई ही होंगे पंजाब दे जी, सीएम भगवंत मान ने एक बार मुड़ तो गल स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि चंगे वकील ने, सरकार का पक्ष मजबूत ढंग के नाल रखे। तो दस दिए लंघे दिन जिस ढंग के नाल ए जी जड़े सिगे अनमोल रतन सिद्धू, उन्होंने वालों अस्तीफा दिता गया, अस्तीफे बाद नियुक्ति की खबर आई, तो हूँ एक बार मुड़ तो स्पष्ट कर दिता, क्लीयर कर दिता है भगवंत मान ने कि विनोद कई ही होंगे पंजाब के ए जी, उन्होंने नियुक्ति फाइनल कर दी गई है। इस ही भगवंत मान ने उन्होंने तारीफ करद कहा कि चंगे वकील ने विनोद गई, सरकार का पक्ष मजबूत ढंग के नाल रखे, बिना सिफारिशों तो वकीलों की वधिया टीम सरकार के लिए, सरकार के केसिस का पक्ष कोर्ट के रख ली तैयार की जाएगी, यह दावा करते विखाई दते मुख्यमंत्री भगवंत मान। विनोद कई ही होंगे पंजाब दे जी, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार मुड़ तो यह गल स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि चंगे वकील ने विनोद कई, सरकार का पक्ष मजबूत ढंग के नाल कोर्ट के विच विनोद कई रखे, बिना सिफारिशों के वकीलों की एक वधिया टीम विनोद कई तैयार करेंगे। नवे ए जी ने वो लगा दिते गए ने कई साहब, तो बहुत काबिल वकील ने, पंजाब सरकार का जिहड़ा पक्ष है वो धड़ल्ले नाल कोर्टां दे विच रखणगे। जिहड़ी उन्हां दी टीम है वो भी असीं कोई सिफारशी जां इधरों उधरों नहीं लवांगे, जिहड़ी उन्हां दी टीम है वो भी इस तरह की होवे ताकि सानूं कोई महंगीआं फीसां वाले वकीलां नूं इधरों उधरों बुलाउणा ना पवे। पंजाब सरकार लोकां दे हक च फैसला कराउण लई कानूनी तौर ते कमी नहीं छोड़। सीएम भगवंत मान दा बयान तुसीं सुणिया। अगली खबर फिलहाल रुक करदे आं, पंजाब कैबिनेट मीटिंग हुई अज्ज, तो पंजाब कैबिनेट मीटिंग कई अहम फैसले ले गए हैं। अक्तूबर तो, जी हाँ, अक्तूबर तो झोने की खरीद शुरू करवाई जाएगी, मिलिंग पॉलिसी का एजेंडा पास कर दिता गया अज्ज की कैबिनेट मीटिंग। इस दे नाल ही दसिया गया कि ट्रकों के उपर GPS सिस्टम लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री वालों कैबिनेट मीटिंग ले गए फैसले संबंधी जानकारी साझी की गई। 100 कैदियों की रिहाई, नौवीं पातशाही के प्रकाश पर मौके 100 कैदियों की रिहाई का भी फैसला लिया गया। सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई पंजाब सरकार वालों की जाएगी। कच्चे मुलाजमान पक्के तरीके दे नाल पक्का किया जाएगा। जी हाँ, आखिरकार हुण किहड़े मुलाजम निकलते हैं लिस्ट के जिन्होंने पक्का किया जाएगा भी वेखना होगा, पर पंजाब कैबिनेट की मीटिंग अज यह फैसले ले गए हैं। कुछ अहम फैसले तुहानूं दस रहे हैं। अक्तूबर तो झोने की खरीद शुरू किए जाने का फैसला लिया गया, ट्रकों के उपर GPS सिस्टम लगाया जाएगा, मिलिंग पॉलिसी का एजेंडा अज की नौवीं पातशाही के प्रकाश पर मौके 100 कैदियों की रिहाई का फैसला जोड़ा लिया गया, जोड़े कैदियों की सज़ा पूरी हो चुकी है उन्होंने रिहा करेगी पंजाब सरकार। बारदाना ट्रांसपोर्टा नाल एग्रीमेंट्स सारे पहला होंगे, नहीं तो जो अज मैं तुहाडे सामने दस रहा ये काम गौरमेंट अक्तूबर शुरू कर दी है, जो रौला पै जाता है, जो मंडियां ओवरफ्लो हो जाए। सो असी समय तो पहले ही ये काम कर रहे हैं ताकि किसानों मंडियां दे विच रुलना ना पवे। एक असी क्योंकि इस बार
जोन बनाए सी, इस करके झोना थोड़ा जा सानू पता है कि किहड़े इलाके का झोना पहला आऊगा, किहड़े इलाके का चार दिन बाद आऊगा, कि चार दिन होर बाद लेट आऊगा। कच्चे मुलाजमान पक्के करन बारे सब कमेटी बनी जी, बड़ी ओदी कैबिनेट तो बिना ओदी मीटिंग हुई है, कानून दे एक्सपर्ट बिठाए ने, उहदे विच एक दो कानूनी बहुत बड़े कानूनी पेच ने, असी उन्हां कच्चे मुलाजमान पक्के करना चाहुंदे आ, साडी नीयत दे विच कोई खोट नहीं, पर पुरानियां सरकारां वल्लों 2016 ते 2021 दे दो एक्ट बनाए हुए ने जिन्हां नूं रिपील करना चाहुंदे आ असी। 16 वाले एक्ट नूं रिपील करन वास्ते 21 दे विच एक्ट बनाया चन्नी ने, वो अजे गवर्नर साहब को पिया, पर 21 वाले एक्ट के भी उन्ने नहीं आते जिन्ने असी करना चाहते हैं। सो असी दोनों सानू ये एक्ट जिहड़े ने रिपील करने पैणगे, जां 21 वाले च बहुत सारी अमेंडमेंट्स करनिया पैणगियां। असी तुहाडे जरिए बेनती करते हैं जिहड़े कच्चे मुलाजम ने जिहड़े धरने दिंदे ने कि तुसी कृपा करके काली ना करो, ये तो हुण लीगल है, असी गवर्नर साहब नाल भी गल करांगे। देखो नियुक्ति पत्र देने होण वैसे तो असी कल नूं वंड देंगे, पर हाई कोर्टां च धक्के खाई जाणगे। फिर गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साल प्रकाश उत्सव ते लगभग 100 दे करीब वो कैदी जे जिहड़े जां तां सजावां पूरियां कर चुके ने, जां जिहड़े 90% सजावां पूरियां कर चुके ने, जां हैंडीकैप ने, जो भी उस पॉलिसी दे अंडर आउंदे ने उहनां नूं रिहा कीता जाऊगा। गुरु साहब दे 400 साल दे संबंध च 15 अगस्त वाले अलग ने जिहदे विच 50 साल तो उपर दियां औरतां जिन्हां दी सज़ा 50% तो उपर उन्होंने कट ली जां हैंडीकैप ने, तां उहनां नूं भी 75वें आज़ादी दिवस ते जिहड़ा जेल तो छुटकारा मिलेगा उहनां नूं आज़ाद किया जाऊगा।